हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। हमेशा की तरह मंथली चार्ट पे छोटा सा रिव्यू करेंगे और मंथली चार्ट पे ये एक बड़ा ब्रेकआउट आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है कि बड़ा रेंज ब्रेकआउट हुआ। ठीक, अब जो लोग कह रहे हैं जी बाजार यहाँ से गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, उनकी बात मत सुनिए। यहाँ से ज़्यादा पुल बैक आ सकता है। बैंक निफ्टी में की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, अपलोड कर दी है चैनल के ऊपर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और मैं जो एनालिसिस करता हूँ तो मंथली, वीकली, डेली चार्ट, अवरली चार्ट, 15 मिनट चार्ट, सारे टाइम फ्रेम कवर कर लेता हूँ। क्यों कवर करता हूँ? क्योंकि हर एक को ना ये समझना भी पड़ता है कि भाई बाजार कर क्या रहा है, बाजार की पोजीशन क्या है। सबसे ज़्यादा ये जरूरी होता है। केवल ये नहीं कि इंट्राडे के वीडियो बनाई थी, इंट्राडे के लेवल बताए, आगे बढ़े, खत्म। वो भी कर सकते हैं, है ना, 5 मिनट की वीडियो भी बन सकती है, लेकिन कोई फायदा नहीं, सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, अब देखिए, आपको साफ पता लग रहा है मंथली चार्ट देखने से, समझ में आ रहा है कि ये बड़ा ब्रेकआउट मिल चुका है। अब बड़ा ब्रेकआउट मिल चुका है तो हमें करना तो बाय डिप्स ही है ना। ठीक है, मैंने इतनी सारी ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, ये सब ड्रॉ इसलिए किए कि मेरे को ये समझ में आया कि कहाँ तक ज्यादा पुल बैक आ सकता है। ठीक, और मैंने बोला ही था कि या तो कोई इस निफ्टी में तो कोई डोजी कैंडल ही लग रही है मैक्सिमम, और बैंक निफ्टी देखते हैं कि क्या करता है। बैंक निफ्टी ने भी कुछ इसी तरीके का बनाया है। ठीक, वैसे बाय डिप्स मार्केट है, क्लियर कट। ठीक, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि छोटा सा और कुछ करेक्शन दे दे, और वीकली चार्ट पे भी यही चीज बता रही है। ये देखिए, 21,040 तक हाई मारा लेकिन कुछ गया नहीं। अब इसके ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली बुलिश होगा, नहीं निकलेगा तो फिर सैलून राइज होगा ही होगा। वैसे बाय डिप्स मार्केट कंटिन्यू है। ठीक, और डेली चार्ट पे अब आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा घुमा रहा है इधर उधर इधर उधर इधर उधर। ठीक है, और ये जो लेवल था, ये एक लेवल जो इसमें बनाया था 20,940-960, उसके नीचे अब आके क्लोज हो गया। ठीक है, उसके नीचे आके अब फाइनली क्लोजिंग दे दिए। अब देखते हैं कि आगे क्या करता है फ्रेंड्स, राइट। अब डेली चार्ट से पे यही समझ में आ रहा है कि पिछले 5-6 दिन से साइडवेज है बाजार, नथिंग एल्स। और वो होगा भी क्यों नहीं यार, 90 डिग्री का एंगल बनाया। आप, मैं डेली चार्ट पे दोबारा ले जाता हूँ। ठीक, थोड़ा मैं ज़्यादा जल्दी चलता हूँ ऐसे वीडियोज़ में। आप ये देखो यार, 90 डिग्री का एंगल बनता है तो कंसोलिडेशन या करेक्शन तो पॉसिबल है ही ना। अब छोटा सा तो करेक्शन देगा ना बाजार, अब उसमें परेशान होने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, तो डेली चार्ट से हम लोग अब ओवरली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या लेवल डाला था ओवरली का, 21,010 के ऊपर निकले तो। अब मैं हमेशा, जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ क्लोजिंग चाहिए 21,010 के ऊपर। ये पहली क्लोजिंग 21,011, अगली क्लोजिंग फिर 21,009, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, एक सिंगल ओवरली क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी में तो फिर भी हुआ कि 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे उसने करा, और कुछ लोगों ने लॉन्ग एक्टिवेट भी किया होगा तो 10-20 पॉइंट का एसएल गया होगा केवल। और फिर वो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ तो अभी तक ट्रेड ही एक्टिव नहीं हुआ, 20,830 से 850 के नीचे भी नहीं गया, 21,010 के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दी। तो लेवल्स मैंने टेलीग्राम और मेरा जो इंस्टाग्राम है उस पर भी, और तीसरा ट्विटर, तीनों पे डाले हुए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तक रेंज में चल रहा है, राइजिंग ट्रेंड लाइन जरूर ब्रेक हुई है, चांस है नीचे आ सकता है, आएगा नहीं आएगा उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके ऊपर। ठीक, यहाँ एनालिसिस मैंने पहले कर रखे, लेवल्स निकाल रखे हैं। देखिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई आज। ठीक, अब ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हुई है ये एडजस्टेड ट्रेंड लाइन है, ये नीचे से चल रही है ना। देखिए यहां बनी, यहां कंफर्मेशन मिला। ठीक है, और इसने क्या किया, इसने इसको रीटेस्ट करके ऊपर जाना चाहिए था, वो भी नहीं करा, आके ब्रेक कर दी। यानी ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस चक्कर में उठा के ब्रेक कर दिया है। ठीक, तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया, ऊपर के ये लेवल हो गए 20,970 का। ठीक है, यहां जाइए, ब्रेक हुआ, अब 20,900 पे क्लोजिंग है। अगर कल 20,970 तक जाता है, जाने दीजिए, डोनट ट्रेड, वहां पे रेजिस्टेंस है। ये देखिए, ये पूरा रेंज ब्रेक करा इसने, 20,970 के आसपास तक का पूरा रेंज ब्रेक किया है। अगर ये इसके ऊपर टिकेगा तो ही काम करना। ठीक है, 20,950 से 70 ब्रेक करा है,
तो कल 950 से 70 का एक ये रेजिस्टेंस जोन होगा। मैं इस लेवल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 20,950 से 70 का इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर निकलेगा, चाहे गैप अप दे के फ्लैट खुल के ऊपर कंसोलिडेट करके निकले, तो सीधा सीधा 21,020 का पहला टारगेट बनेगा, ठीक है। और 21,040 के ऊपर निकले इस बार, तो फिर 21,120 और 21,220 मिले। अब नीचे सपोर्ट क्लियर दिख रहा है आपको, 20,850, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे करता है, तो इसलिए 20,850 से 830 का जोन। उसके नीचे निकलेगा तो 20,750, 20,690 गैप फिलिंग, 20,670 के नीचे जाएगा तो फिर 20,600 भी चला जाएगा। बहुत ही इजी है लेवल्स निकालना प्राइस एक्शन के, और लोग पता नहीं किन फैंसियों के चक्कर में पड़ते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे कि हमें तो बुल बुल खेलना है, तो फ्रेंड्स फिर थोड़ा मैं हमेशा बोल के चलता हूँ, ओनली बिलो ओनली अबव वाले लेवल ध्यान रखेगा, 2690 से 70 के बीच का ध्यान रखेगा, फिर वो इंपॉर्टेंट है, वहां से रिवर्सल हो सकता है, गैप फिल हो जाएगा वहां पे, फिर देखेंगे, हो सकता है वहां से घूम जाए, आपको बाउंस मिलेगा वहां पे अच्छा खासा, राइट। तो वहां से देखिएगा, 670 से 690, 670 के आसपास से अगर कुछ घूमता है तो आपको एक 830-40 तक का ट्रेड मिल सकता है, तो 150 पॉइंट तक का, ठीक है। अब वो गैप डाउन दे दे सीधा सीधा और 20,830-850 ब्रेक कर जाए, तो फिर तो शॉर्ट एक्टिवेट वैसे ही हो जाता है, एट ओपन ही हो जाएगा, फिर तो सीधा पुट में बैठ जाइएगा, 750, 690 दो, और 670 के नीचे जाए तो 600, या 670 से 690 पे अगर सपोर्ट बनाए तो वहां से कॉल में बैठ के फिर से लॉन्ग 840, 830, 850 तक, 830 तक। और अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, 20,950 से 970 अगर निकाल दे तो फिर 21,020 और 21,040 के ऊपर 21,120 और 21,220, ठीक है। अब ज्यादा 10-10, 20-20 पॉइंट में परेशान नहीं करेगा, क्लियर। लेवल मैं सारे सोशल मीडिया पर डालूंगा ही, मैं थोड़ा तेज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने, ठीक है। तो लेवल्स वहां पे नोट कर लीजिएगा, आपको ये समझ में आ गया कि रेंज है पूरी की पूरी, और 3 बार टेस्ट हो गया 20,840-50 का लेवल, अब ब्रेक होगा तो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी फ्रेंड्स, एनालिसिस अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।